काफी सूचनाएं दी गई ऐसा लग रहा है। आप सबको नमस्कार। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, डॉक्टर के राधाकृष्णन जी, प्रोफेसर अभय करंदीकर जी, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स, सभी स्टूडेंट्स, अन्य महानुभाव और इस ऐतिहासिक संस्थान से डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, सम्मानित हो रहे हैं अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव, आज कानपुर के लिए दोहरी खुशी का दिन है। आज एक तरफ कानपुर को मेट्रो जैसी सुविधा मिल रही है, वहीं दूसरी ओर आईआईटी कानपुर से टेक्नोलॉजी की दुनिया को आप जैसे अनमोल उपहार भी मिल रहे हैं। मैं अपने हर युवा साथी को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। आज जिन स्टूडेंट्स को सम्मान मिला है उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। आप आज जहां पहुंचे हैं, आपने जो योग्यता हासिल की है उसके पीछे आपके माता पिता, आपके परिवार के लोग, आपके टीचर्स, आपके प्रोफेसर्स, ऐसे अनगिनत लोग होंगे। उन सब की बहुत मेहनत रही है, कुछ न कुछ योगदान रहा है। मैं आज आपके जीवन को गढ़ने में जिन जिन का योगदान रहा है, मैं उन सभी का भी, विशेष करके आपके माता पिता का, हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपने जब आईआईटी कानपुर में प्रवेश लिया था और अब जब आप यहां से निकल रहे हैं, तब और अब में आप अपने में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे। यहां आने से पहले एक फियर ऑफ अननोन होगा, एक क्वेरी ऑफ अननोन होगी। पहले आपकी नॉलेज, आपकी क्वेरीज का दायरा, आपका स्कूल, कॉलेज, आपके मित्र, आपका परिवार, आपके अपनों के बीच सिमटा हुआ था। आईआईटी कानपुर ने आपको उससे बाहर निकालकर एक बहुत बड़ा कैनवास दिया है। अब फियर ऑफ अननोन नहीं है, अब आप पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने का हौसला लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब क्वेरी ऑफ अननोन नहीं है, अब क्वेस्ट फॉर द बेस्ट पूरी दुनिया पर छा जाने का सपना है। और जितनी लर्निंग आपकी क्लासरूम में हुई या जितना आपको अपनी क्लास में सीखने को मिला, उतना ही आपने अपने क्लासरूम के बाहर अपने साथियों के बीच एक्सपीरियंस किया है।
क्लासरूम में आपके विचारों का, आपके आइडियाज का विस्तार हुआ। क्लासरूम के बाहर आपके व्यक्तित्व का विस्तार हुआ, आपकी पर्सनालिटी विकसित हुई है। आपने IIT कानपुर में जो अर्जित किया, जो विचार समृद्ध हुए, वो एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन है, फोर्स है, जिसकी शक्ति से आप जहां भी जाएंगे वहां कुछ नया करेंगे, अनोखा करेंगे, कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे। आपकी आज की ट्रेनिंग, आपकी स्किल, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान निश्चित तौर पर आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मजबूती से जगह बनाने में बहुत मदद करेगा। लेकिन यहां आपका जो व्यक्तित्व विकसित हुआ है, वो आपको ऐसी ताकत देगा जिससे आप सोसाइटी एज अ होल उसका भला करेंगे, अपने समाज, अपने देश को एक नया सामर्थ्य देंगे। साथियों, आपने यहां IIT की भव्य लीगेसी के हिस्टोरिकल पीरियड को जिया है। आपने विविधताओं से भरे भारत के वैभव के साथ वर्तमान को जिया है। भव्य लीगेसी और वाइब्रेंट प्रेजेंट, इन दो पिलर्स पर, इन दो पटरियों पर आज आप अपने उज्जवल भविष्य की यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये यात्रा शुभ हो, देश के लिए सफलताओं से भरी हो। आज जब आपके बीच हूं तो मैं यही कहूंगा, मेरी आप सबसे यही कामना रहेगी। साथियों, इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश किया है। हम सभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आपने जहेज शहर में अपनी डिग्री पाई है, उस कानपुर का अपना शानदार इतिहास रहा है। कानपुर भारत के उन कुछ चुनिंदा शहरों में से हैं जो इतना डाइवर्स है, सत्ती चौरा घाट से लेकर मदारी पासी तक, नाना साहब से लेकर बटुकेश्वर दत्त तक। जब हम शहर की सैर करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम स्वतंत्र संग्राम के बलिदानों के गौरव की, उस गौरवशाली अतीत की सैर कर रहे हैं। इन स्मृतियों के बीच आप सभी पर देश को अगले 25 वर्षों तक दिशा देने, देश को गति देने का दायित्व है। अब कल्पना करिए, जब 1930 में, 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुई थी, तब उस यात्रा ने उस टाइम पीरियड को, पूरे देश को कितना आंदोलित कर दिया था। उस समय देश जितना चार्ज था, उसने आजादी के लिए भारत के जन जन में एक अभूतपूर्व विश्वास पैदा कर दिया था। हर भारतवासी के मन में विजय का विश्वास भर दिया था। 1930 के उस दौर में जो 20-25 साल के नौजवान थे,
1947 तक उनकी यात्रा और 1947 में आजादी की सिद्धि उनके जीवन का गोल्डन फेज थी। आज आप भी एक तरह से उस जैसी ही गोल्डन एरिया में कदम रख रहे हैं। ये गोल्डन एरा है आपके लिए, जैसे राष्ट्र के जीवन का अमृत काल है वैसे ही ये आपके जीवन का भी अमृत काल है। अमृत महोत्सव की इस घड़ी में जब आप IIT की लीगेसी लेकर निकल रहे हैं तो उन सपनों को भी लेकर निकले कि 2047 का भारत कैसा होगा। आने वाले 25 सालों में भारत की विकास यात्रा की बागडोर आपको ही संभालनी है। जब आप अपने जीवन के 50 साल पूरे कर रहे होंगे उस समय का भारत कैसा होगा उसके लिए आपको अभी से ही काम करना होगा। और मुझे पता है कानपुर IIT ने, यहां के माहौल ने आपको वो ताकत दी है कि आप अब आपको अपने सपने पूरे करने से कोई रोक नहीं सकता। ये दौर, ये 21वीं सदी पूरी तरह टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इस दशक में भी टेक्नोलॉजी अलग अलग क्षेत्रों में अपना दबदबा और बढ़ाने वाली है। बिना टेक्नोलॉजी के जीवन अब एक तरह से अधूरा ही होगा। ये जीवन और टेक्नोलॉजी की स्पर्धा का युग है और मुझे विश्वास है कि इसमें आप जरूर आगे निकलेंगे। आपने अपनी जवानी के इतने महत्वपूर्ण वर्ष टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट बनने में लगाए हैं। आपके लिए इससे बड़ा अवसर और क्या होगा। आपके पास तो भारत के साथ ही पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में योगदान करने का बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, हमारी IITs तो हमेशा टैलेंट और टेक्नोलॉजी की इंक्यूबेशन सेंटर रही है और IIT कानपुर की तो अपनी एक अलग ही रेपुटेशन रही है। आपने अपनी खुद की कंपनी एक्वाफ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए बनारस के खिड़किया घाट पर दुनिया का जो पहला फ्लोटिंग CNG फिलिंग स्टेशन विकसित किया है वो बेहतरीन है। इसी तरह आपने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी विकसित की है। दुनिया की पहली पोर्टेबल सॉइल टेस्टिंग किट बनाई है। 5G टेक्नोलॉजी में तो IIT कानपुर का काम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का हिस्सा बन चुका है। ये संस्थान ऐसी अनेक सफलताओं के लिए बधाई का पात्र है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारियां भी कई गुना बढ़ गई हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, एनर्जी एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस में, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देश के सामने बहुत बड़ा स्कोप है। हेल्थ जैसे सेक्टर भी आज टेक्नोलॉजी ड्रिवन होते जा रहे हैं। हम एक डिजिटल डायग्नोसिस के एरा में है।
रोबोट असिस्टेड ट्रीटमेंट के एरा में पैर रख रहे हैं। हेल्थ डिवाइसेस अब घर की एसेंशियल बन गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट में चुनौतियों का सामना भी हम टेक्नोलॉजी के जरिए ही कर सकते हैं। आप कल्पना करिए हम कितनी व्यापक संभावनाओं के गेट पर खड़े हैं। ये संभावनाएं आपके लिए हैं, इनमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये आपके लिए देश के प्रति केवल जिम्मेदारियां नहीं बल्कि ये वो सपने हैं जिन्हें हमारी कितनी ही पीढ़ियों ने जिया है। लेकिन उन सपनों को साकार करने का, एक आधुनिक भारत बनाने का वो सौभाग्य आपको मिला है, आपकी पीढ़ी को मिला है। साथियों, आज आप 21वीं सदी के जिस कालखंड में हैं, वो बड़े लक्ष्य तय करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति लगा देने का है। जो सोच और एटीट्यूड आज आपका है, वही एटीट्यूड देश का भी है। पहले अगर सोच काम चलाने की होती थी, तो आज सोच कुछ कर गुजरने की, काम करके नतीजे लाने की है। पहले अगर समस्याओं से लाने की है, पहले अगर समस्याओं से पीछा छुड़ाने की कोशिश होती थी, तो आज समस्याओं के समाधान के लिए संकल्प लिए जाते हैं। समाधान वो भी स्थायी, स्टेबल सॉल्यूशंस। आत्मनिर्भर भारत इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, हम सभी ने देखा है कि परिवार में भी जब कोई 20-22 साल का हो जाता है, तो घर के बड़े बुजुर्ग बार बार सुनाते हैं कि अब समय आ गया है, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। और मुझे पक्का विश्वास है, आप जब यहां से घर अब जाओगे जरा मिलने के लिए माता पिता को, तो पहला यही सुनोगे कि भाई अब मेरा काम पूरा हो गया, अब अपने पैरों पर खड़े हो जाना। हर माँ बाप यही कहने वाले हैं, और अगर देर कर दी तो बार बार सुनने को मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्ग माता पिता ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप आत्मनिर्भर बने, आप अपने सामर्थ्य को पहचाने, आप सपने देखें, उनको संकल्प में परिवर्तित करें और जी जान से उसे सिद्ध करके रहें। हमारे भारत ने भी तो आजादी के बाद अपनी यात्रा नए सिरे से शुरू की थी। जब देश की आजादी को 25 साल हुए, तब तक हमें भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बहुत कुछ कर लेना चाहिए था। तब से लेकर अब तक बहुत देर हो चुकी है, देश बहुत समय गंवा चुका है, बीच में दो पीढ़ियां चली गई। इसलिए हमें दो पल भी नहीं गंवाना है। साथियों, मेरी बातों में आपको अधीरता नजर आ रही है, और बहुत स्वाभाविक है कि आपको अधीरता लगती भी होगी। लेकिन मैं चाहता हूं, और जब आज कानपुर की धरती पर आपके बीच में आया हूं, तो मेरा मन करता है आप भी इसी तरह आत्मनिर्भर भारत के लिए अधीर बने। आत्मनिर्भर भारत पूर्ण आजादी का मूल स्वरूप ही है, जहां हम किसी पर भी निर्भर नहीं रहेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एवरी नेशन हैज ए मैसेज टू डिलीवर, अ मिशन टू फुलफिल,
आवर डेस्टिनी टू रीच। यदि हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो हमारा देश अपने लक्ष्य कैसे पूरे करेगा, अपनी डेस्टिनी तक कैसे पहुंचेगा। साथियों, आप ये कर सकते हैं, मेरा आप पर भरोसा है। और मैं जब आज इतनी बातें कह रहा हूं, इतनी चीजें कर रहा हूं, तो मुझे उनमें आपका चेहरा नजर आता है। आज देश में जो एक के बाद एक बदलाव हो रहे हैं, उनके पीछे मुझे आप ही का चेहरा नजर आता है। आज जो लक्ष्य देश तय कर रहा है, उसकी प्राप्ति की शक्ति भी देश को आपसे ही मिलेगी। आप ही हैं जो ये करेंगे, और आपको ही करना है। ये अनंत संभावनाएं आपके लिए ही हैं, और आपको ही इन्हें साकार करना है। देश जब अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, उस सफलता में आपके पसीने की महक होगी, आपके परिश्रम की पहचान होगी। और आप ये भलीभांति जानते हैं कि बीते वर्षों में किस तरह आत्मनिर्भर भारत की नींव तैयार करने के लिए, आपका काम आसान करने के लिए देश ने किस तरह काम किया है। पिछले 7 सालों में देश में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया जैसे प्रोग्राम शुरू हुए, अटल इनोवेशन मिशन और पीएम रिसर्च स्कॉलरशिप के जरिए देश युवाओं के लिए नए रास्ते बना रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ फ्यूचरिस्टिक टेम्परामेंट की नई पीढ़ी को तैयार करने की शुरुआत हो रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारा गया, पॉलिसी ब्लॉकेज दूर किए गए। इन प्रयासों के परिणाम इतने कम समय में आज हमारे सामने हैं। आजादी के इस 75वें साल में हमारे पास 75 से अधिक यूनिकॉर्न्स हैं, 50,000 से अधिक स्टार्टअप है। इनमें से 10,000 स्टार्टअप तो केवल पिछले 6 महीनों में आए हैं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनकर उभरा है। कितने स्टार्टअप्स तो हमारी आईआईटीज के युवाओं ने ही शुरू किए हैं। अभी हाल ही के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के कई विकसित देशों को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न कंट्री बन गया है। साथियों, आजकल ग्लोबलाइजेशन की बात होती है, उसके पक्ष विपक्ष पर भी बात होती है, लेकिन एक बात पर कोई विवाद नहीं है। कौन भारतीय नहीं चाहेगा कि भारत की कंपनियां ग्लोबल बने, भारत के प्रोडक्ट ग्लोबल बने। जो आईआईटीज को जानता है, यहां के टैलेंट को जानता है, यहां के प्रोफेसर्स की मेहनत को जानता है, वही विश्वास करता है ये आईआईटी के नौजवान जरूर करेंगे। और मैं आज आपको ऐसे प्रोफेशनल्स को ये भी भरोसा देना चाहता हूं कि सरकार हर तरीके से आपके साथ है। साथियों, एक और जरूरी बात हम सबको याद रखनी है। आज से शुरू हुई यात्रा में आपको सहूलियत के लिए शॉर्टकट भी बहुत लोग बताएंगे, लेकिन मेरी सलाह होगी कि आप कंफर्ट और चैलेंज में अगर चुनना है
तो मैं आग्रह करूंगा कंफर्ट मत चुनना, चैलेंज जरूर चुनना, क्योंकि आप चाहें या न चाहें जीवन में चुनौतियां आनी ही है। जो लोग उनसे भागते हैं वो उनका शिकार बन जाते हैं। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर चैलेंजेस, यू आर द हंटर एंड द चैलेंज इज द हंटेड। इसलिए आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो प्रॉब्लम्स को तलाशता है और अपने मुताबिक अपनी चॉइस से उनको ये सॉल्यूशंस निकालता है। फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट्स आईआईटी के फाइनेस्ट टेक माइंड्स हैं। यू ऑल ईट ड्रिंक ब्रीथ टेक्नोलॉजी। आप लगातार इनोवेशन में ही लगे रहते हैं। फिर भी इन सब के बीच मेरा आपसे एक आग्रह भी है। टेक्नोलॉजी की अपनी ताकत होती है, उसमें कोई बुराई नहीं, और ये आपका पैशन भी है। लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहते हुए आप ह्यूमन एलिमेंट्स ऑफ लाइफ को कभी मत भूलिएगा। आप अपने स्वयं के रोबोट वर्जन कभी नहीं बनिएगा। आप अपनी मानवीय संवेदनाओं, अपनी कल्पनाओं, अपनी क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी को हमेशा जिंदा रखिए। अपने जीवन में उन चीजों को भी महत्व दीजिएगा जो जरूरी नहीं कि हमें टेक्नोलॉजी की मदद से ही मिलती हो। आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर जरूर काम करिएगा, लेकिन इमोशन ऑफ थिंग्स को भूल मत जाइएगा। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जरूर सोचिएगा, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी याद रखिएगा। आप कोडिंग करते रहिएगा, लेकिन लोगों के साथ अपना कनेक्ट भी बनाए रखिएगा। अलग अलग लोगों से, अलग अलग कल्चर के लोगों से आपका जुड़ाव आपके व्यक्तित्व की ताकत ही बढ़ाएगा। ये नहीं होना चाहिए कि जब इमोशन दिखाने की बात आए तो आपका मस्तिष्क करे HTTP 404, पेज नॉट फाउंड। जब बात शेयरिंग की हो, शेयरिंग ऑफ जॉय और काइंडनेस की हो, तो कभी कोई पासवर्ड नहीं रखिएगा। खुले दिल से लाइफ को एंजॉय करिएगा। वैसे मैं जो अभी शेयरिंग ऑफ जॉय की बात की है, तो मुझे पता है कि ये शब्द आपको बहुत कुछ याद भी दिला रहा है। सागर ढाबा, और केरला कैफे की गपशप, यहां के कैंपस रेस्टोरेंट्स का स्वाद, सीसीडी की कॉफी, ओएटी पर काठी रोल्स, और एमटी पर चाय और जलेबी, टैग कृति और अंतरंगिनी भी आपको बहुत याद आने वाले हैं। जीवन इसी का नाम है। जगह बदलती है, लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लेकिन जीवन चलता रहता है। इसी को कहते हैं चरैवेति चरैवेति चरैवेति। मैं अभी देख रहा हूं कि कई सारे स्टूडेंट्स दूसरे लेक्चर हॉल में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से वो वहीं से मुझे सुन रहे हैं।
अगर आप लोगों की अनुमति होगी और आपके इस प्रोटोकॉल में कोई तकलीफ ना हो तो मैं जरूर वहां जाना चाहूंगा, उनसे मिलना चाहूंगा, उनसे रूबरू मिलूंगा। आप अपने कैरियर में सफल हो, आपकी सफलता देश की सफलता बने, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।